जमशेदपुर कोटका थाना क्षेत्र के जुड़ी पंचायत अंतर्गत से समरसाई की 20 वर्षीय सुष्मिता प्रमाणित के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाने पर उन्हें 12 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटका ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा जांच के बाद सुष्मिता के परिजनों को बच्चा उल्टा होने की बात कही गई, साथ ही साधन के अभाव में प्रसव नहीं हो सकता कहकर MGM रेफर कर दिया गया। जब सुष्मिता को MGM में भर्ती के लिए ले जाया गया, MGM के चिकित्सकों ने बच्चा अभी नहीं होने तथा सब कुछ ठीक ठाक रहने की बात कहते हुए एडमिशन नहीं लिया गया, जिसके बाद सुष्मिता के पति सनोज प्रमाणिक द्वारा कार से घर वापस लौट रहे थे। इस बीच रास्ते में ही सुष्मिता ने कार में एक शिशु को जन्म दे दी। जन्म देने के बाद तक सब कुछ ठीक था, मगर जब उन्हें कोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तब तक शिशु की मौत हो चुकी थी। सुष्मिता के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटका के चिकित्सकों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मेरा एडमिशन नहीं होने के कारण शिशु की मौत हो गई, इसके लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाराज ग्रामीणों ने सुष्मिता को न्याय की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की एवं न्याय की मांग की। मौके पर सनोज प्रमाणिक, विमल दास, श्रीकांत सरदार, जियाउल अंसारी, बलिंदर गोप आदि उपस्थित रहे। बता दें कि इससे पहले भी जुड़ी के रहने वाली एक जच्चा बच्चा की मौत 2 माह पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटका की लापरवाही के कारण हो चुकी है। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। सुष्मिता परमानी कोटका में बोले कि बच्चा उल्टा है बोल के, और MGM में एडमिट नहीं लिया, सब ठीक है बोल के, और सब ठीक है कल आओ 10 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो भेज दिए और एडमिट नहीं लिया। आने के समय बच्चा रास्ता में ही हो गया। क्या किया फिर आप लोग? फिर बच्चा होने के बाद भी जिंदा था और उसके बाद उसका डेथ हो गया, और आंगनबाड़ी का सुई सब दवाई सब लिए थे, सुई सुआ सब लिए थे, फिर भी ऐसा हो गया, एडमिट नहीं लिए। इसीलिए कहाँ गए थे एडमिशन के लिए? कोटका MGM गए थे, उसके बाद पटका आगे गए थे, उसके बाद MGM गए थे, एडमिट नहीं लिया MGM में, सब ठीक है बोले। कोटका में क्या बताया? कोटका में बोला कि बच्चा उल्टा है, इसीलिए उन लोग को रेफर कर दिया MGM गए। MGM में क्या बोला? MGM में बोला कि सब ठीक है बोल के, सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है, कुछ उल्टा नहीं है, कल आना 10 बजे के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद बताएंगे। किसका लापरवाही हुआ? डॉक्टर का। हल्का हल्का पेन आसो ও তখন পটকায় লেগলেন, লেগার পরে বলল বাচ্চাটাও পাল্টি হ্যাঁ, তো পাল্টি হ্যাঁ যখন বললো তখন বলছে হাম ইয়ে কর দেন বলছে MGM ভেজ দেন বললো, তো MGM যাব হাম লে গিয়ে, শাম কা টাইম থা মোটামুটি 4 বাজে, তো উহাঁ পর হাম লোক কো বলা বাচ্চা সব ঠিক হ্যাঁ, কই টাইম পাস করনে কে লিয়ে তুম লোক কো ভেজ দিয়া ইয়াঁ, আর বাচ্চা উল্টা ফুলটা নেই, বাচ্চা সব ঠিক হ্যাঁ, আর উস টাইম হাম লোক কো ডান্ট কে ভি নিকালা, হাম রহনে নেই দিয়া, হাম লোক বোলে কি হাম লোক কাল তো হ্যাঁ 10 বাজে রহেঙ্গে, লেকিন হাম লোক কো নেই বোলা, नहीं बोला तुम लोग चल जाओ कल 10 बजे के बाद आओ, अल्ट्रासाउंड करेंगे उसके बाद हम लोग हम कार्रवाई करेंगे। तो किसका लापरवाही है सर? डॉक्टर के लापरवाही से। कहाँ का डॉक्टर? MGM ये बोला, यहाँ तीन ठो मैडम चेक किया, वो तीन ठो बच्चा जो ऐसा बोला तो हम ठीक है तो वहाँ भेज देंगे बोला, तो हम ठीक है। बच्चा पलटी था क्या? बच्चा पलटी था, एकदम पैर तरफ से हुआ था, इतना तक हम देखे, इसके बाद ये वाला भी हुआ, होने के बाद भी कम से कम 1 घंटा तक जिंदा था, उसके बाद बच्चा तो डेथ कर गया, डेथ फिर भी हम लोग वही अवस्था में पटका ले गए थे, लेकिन वहाँ पर काटा, काटने के बाद बोला बच्चा तो नहीं है। तो क्या आप लोग मांग कर रहे अभी? क्या मांग करें, इसके लिए डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई किया जाए जो उचित है। कहाँ का डॉक्टर? MGM का डॉक्टर है, और हम लोग को डांट के निकालो वहाँ पर मैडम तो, जो जाओ आज नहीं कल भर्ती होगा, आज नहीं होगा, हम लोग को रहेगा ना, हम लोग कितना रात में आया। आज इस तरह गरीब जनता मतलब गरीब आदमी के साथ इस तरह घटना घट चुका है, इसके पहले जुड़ी का भी एक इसी तरह घटना मतलब तीन गाँव का घट चुका था, तो हमारे बोलने का मतलब उद्देश्य यही है कि जब कोटका स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया MGM, तो MGM में जब रेफर कर दिया तो MGM में उनको एडमिट कर लेना चाहिए था, मगर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि MGM में उनको डांट डपट कर भगा दिया गया है। और यहाँ हमारा जो कोटका प्रखंड के प्रभारी है तथा तो जो सिविल सर्जन है, यह सिविल सर्जन अपना खाली मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, उन कुछ डॉक्टर के ऊपर मतलब अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, इलोन का ऊपर सत से सत कार्रवाई होना चाहिए,
और जो भी डॉक्टर इलोन का ऊपर ऐसा गलती काम किया है, डांट डपट के भगा दिया है, उसका ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए।